नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे कि चर्चा चल रही थी कि 16 तारीख को जो हमारी मीटिंग थी उसके बाद ये डिसाइड करना है या सटीक अनुमान लगाना है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और समीक्षा अधिकारी के कितने पद होंगे और स्टेनो रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को सिलसिलेवार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मीटिंग रही उसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इम्पोर्टेंट बिंदु जो रहा वो रहा आरओ के नोटिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, कि आरओ का नोटिफिकेशन आपका कब आना है और इसमें आरओ के कुल कितने पदों को रखना है। दोस्तों जो आरओ के पद आएंगे आपके, तो वो अप्रोक्स हैं 180। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे 190 कह रहा था बट वो 180 के अप्रोक्स होंगे। और ये जो आपकी आरओ की वैकेंसी होगी समीक्षा अधिकारी की, इसकी जो डेट है कि किस तारीख तक ये आ सकती है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मई में ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जून के फर्स्ट वीक में आएगा नोटिफिकेशन रिव्यू ऑफिसर का आपका, और ये क्लियर है। ये आप मई में जो है इसको भूल जाएं आने का, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि आपका भला आपकी पढ़ाई ही करेगी। वही बात करते हैं दूसरी। दोस्तों एक संशय भी चला था अभी बीच में, जिसमें ये था कि एआरओ और एपीएस और कंप्यूटर असिस्टेंट, इनकी भी वैकेंसी आनी थी, जिसके बारे में पूरी चर्चा चल रही थी कि ये वाले पद भी आएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फ़िलहाल इन पर अभी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ रिव्यू ऑफिसर की ही वैकेंसी आएंगी। एआरओ और एपीएस और कंप्यूटर असिस्टेंट, इनसे रिलेटेड अभी कोई भी भर्ती नहीं आएगी। और दोस्तों, वहीं बात करें अगर स्टेनो के रिज़ल्ट की, तो दोस्तों स्टेनो का रिज़ल्ट भी बिल्कुल तैयार है और उसकी जो डेट है वो आप मान के चलें कि मई के लास्ट वीक तक वो आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बड़ी सटीक जानकारी है, बिल्कुल लगभग मान के चलिए आप एक्यूरेट है। और दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, खुश रहें।